नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में, जिससे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं हमारे व्यूवर्स के कि सर इसमें क्या करें, इसमें क्या करें। बहुत सारे लोग जो है बिरला टायर्स, तो ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे स्टॉक होते हैं जो पैनी शेयर है उसमें हायर लेवल्स पर फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद होता है कि रिटेल इन्वेस्टर को जागरूक करना, रिटेल इन्वेस्टर को कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें कौन से स्टॉक में कितना रिस्क लेना है ये भी आपको समझना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। जो स्टॉक महंगे हैं तो उसमें कम क्वांटिटी बाय करेंगे, अगर आपका रिस्क कम है तो आप स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे और अच्छे प्राइस पर बाय करने की कोशिश करेंगे। जो इंट्रेंसिक वैल्यू होता है, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू होना चाहिए स्टॉक का, उसके आसपास बाइंग करेंगे। इन्वेस्टमेंट का पर्पस यही होता है। जो ट्रेडर होते हैं वो हायर लेवल पर बाय करते हैं और हायर लेवल पर फिर बेच देते हैं, तो ऐसा होता है उनका स्ट्रेटेजी। लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हें हमेशा चाहिए इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास बाय करें, उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट शेयर जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी, डॉक्टर रेड्डी, एस्ट्राजेनिका फार्मा, फाइजर लिमिटेड, इंडिया मार्ट, इंटरमेस, एप्पल इंडिया, एचडीएफसी लिमिटेड, जुबलेंट फूड, अतुल और एसआरएफ, इन इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में बात करेंगे। इस रिलेटेड जानने मिलेगा आपको कि इस शेयर में कब आपको बाय करना चाहिए था, कितने समय के लिए होल्ड करना था। जब हम इंडिविजुअल वीडियो, मतलब एक शेयर का वीडियो बनाते हैं, उसमें पूरे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को डिस्कस करते हैं, कैसे शेयर को आप चुनेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर। फंडामेंटल एनालिसिस बताता है किस शेयर में इन्वेस्ट करना है, टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि किस प्राइस पे आपको इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, अभी बता दें कि हमारा सबसे पहला जो शेयर है डिक्सन टेक्नोलॉजी, अगर बात करें तो इसका जो मूवमेंटम है उस मूवमेंटम अनुसार बात करें तो आपका जो रैली है वो निकल चुका है, मतलब आप ट्रेन मिस कर चुके हैं। तो आप ट्रेन मिस कर चुके हैं तो आप क्या करें, वेट एंड वॉच करें। अगर कभी करेक्शन आता है, गिरावट आता है, तब आप इसमें फिर चढ़ने की कोशिश करें। अभी जो ट्रेन फुल स्पीड में है तो अभी आप चढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट भी मिल जाए, हो सकता है कि आपको काफी नुकसान भी झेलना पड़े। तो इसलिए अगर इसमें आप चढ़ना भी चाहते, अगर पहले 10 क्वांटिटी आप ले सकते थे तो अभी आप 1-2 क्वांटिटी लेंगे। तो इस तरह से आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि जब ट्रेन मिस कर चुके हैं तो वैसे ट्रेन में आपको चढ़ने में काफी रिस्क होता है, तो वही आपको स्टॉक मार्केट है। अभी मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई पे है, यहां से हो सकता है कि मार्केट 13,700 पे है, तो यहाँ से हो सकता है कि 15,000 चला जाए, 18,000 चला जाए, जाने का कहीं भी जा सकता है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है वो हम मिस कर चुके हैं, क्योंकि जब 8,000 का प्राइस था उस समय आपने इन्वेस्ट नहीं किया, 10,000 पे था उस समय इन्वेस्ट नहीं किया, 11,000 पे था इन्वेस्ट नहीं किया। अब थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, मार्केट को स्टेबल होने दीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में अभी है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश है मार्केट और ये हेटेड बुल मार्केट है। मतलब किसी को ऐसा उम्मीद नहीं था कि मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश होगा कि वो अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर देगा। तो दोस्तों, ऐसे में सारे के सारे शेयर जो अपना ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, इसमें जो हम सारे के सारे शेयर बताएंगे, सारे के सारे शेयर लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो दोस्तों, अभी जो टाइम है पेशेंस रखने का, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर क्या देखते हैं, अभी सारा शेयर दौड़ रहा है तो उसमें चढ़ने की कोशिश करते हैं और उनका जो मैनेजमेंट होता है वो कुछ अच्छा खासा नहीं है कि वो पूरी तरह से मतलब अपना रिस्क मैनेजमेंट करके लें। जैसे आपका रिस्क है 2,000 रुपीज का रिस्क लेने का, तो आपको उसी अनुसार से उसी तरह के शेयर प्राइस में अभी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो भी शेयर छोटे मतलब कम प्राइस वाले हैं, ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप उसमें स्टॉप लॉस के साथ छोटे क्वांटिटी के साथ स्टेक ले सकते हैं। तो इस तरह का रिस्क मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, तभी आप जो अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पर स्टॉक मार्केट में अर्न कर सकते हैं। नहीं तो हमने अभी ऑप्शन ट्रेड करते हैं दोस्तों, ये भी समझिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ और अच्छा खासा मैंने भी वहाँ पर लॉस किया है और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी किया है एक एक दिन में काफ़ी ज़्यादा, और लॉस भी मैंने किया है। तो इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इन सारे शेयर को। पहला है डिक्सन टेक्नोलॉजी। अगर हम देखिए इसके ग्राफ की देखें तो ये स्टॉक देख सकते हैं कि जो 2017 था उस समय भी ये लगभग 4,000 का स्टॉक था, वहाँ से गिरावट आया। किसी को उम्मीद था कि ये स्टॉक इतना गिरेगा, 2,000 रुपीज़ तक आ चुका था। अब देखिए 2,000 रुपीज़ से जो ये रैली किया, स्टॉक कहाँ जा चुका है,
लगभग 13,760 रुपीज़ पर, और ये 600% का रिटर्न है। आप देखते हैं अगस्त 19 से और अभी दिसंबर 2020 में 600% का रिटर्न है। दोस्तों ऐसे सिर्फ एक ही शेयर नहीं है, ऐसे बहुत सारे शेयर आपको स्टॉक मार्केट में मिल जाएंगे जो कि 600% और उससे ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है एक साल में। तो ऐसे आप जब मार्केट में खोजेंगे बहुत सारे शेयर मिल जाएंगे। तो इस शेयर में अभी आपको क्या करना है, हमने पहले भी बताया था जब ये 8,000 के आसपास था, 6,000 के आसपास था, 4,000 के आसपास था, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि आप इस स्टॉक में चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक ही क्वांटिटी बाय कर लीजिए, दो ही क्वांटिटी बाय कर लीजिए। अगर आप 4,000 पे दो ही क्वांटिटी बाय करते हैं तो अभी 20,000 का आपका रिटर्न होता, समझ सकते हैं, 8,000 लगाते 20,000 का प्रॉफिट आप अर्न करते। दूसरा शेयर है हमारा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। दोस्तों इस शेयर के बारे में मैंने जब 2500 के आसपास था उसी समय से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि काफ़ी बेहतरीन शेयर है और फार्मा सेक्टर के लीडिंग स्टॉक में से एक है। और दोस्तों अभी जो वैक्सीन है, वैक्सीन की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी, एस्ट्राजेनिका फार्मा, फाइजर लिमिटेड, इन सारों के बीच काफ़ी कंपटीशन है। मतलब जिसके हाथ में जो है वैक्सीन लगता है और जिसके हाथ में ज़्यादा मतलब उससे प्रॉफिट अर्न होगा वैक्सीन से रिलेटेड, उसके स्टॉक में आपको ज़बरदस्त मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे में आप भी रिस्क ले सकते हैं कि कौन सा वैसा फार्मा स्टॉक है जो वैक्सीन ला सकता है, तो वैक्सीन लाता है तो आपको काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको उसमें अर्न होगा। ऐसे भी फार्मा सेक्टर काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म था, यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर रेड्डीज़, पहले भी ये 4,200 देख सकते हैं कि मतलब 4,300 के रुपीज़ का स्टॉक हुआ करता था और वहाँ से गिरावट आया था, ये स्टॉक 2,000 रुपीज़ में मिल रहा था 2018 में, वहाँ से ये स्टॉक फिर से रिकवर किया है और अभी आप देखते हैं कि ये स्टॉक हो चुका है 5,000 रुपीज़ का और यहाँ से ये 6,000 आराम से जा सकता है, मतलब 1,000 का रिटर्न आपको यहाँ मिलेगा एक शेयर पर। तो दोस्तों 5,000 लगाते हैं, 1,000 का रिटर्न, मतलब 25% का पोटेंशियल है यहाँ से अभी भी इस स्टॉक में जाने का। और अगर वैक्सीन इस कंपनी के हाथ में लगती है तो अब तो ये स्टॉक 10,000 रुपीज़ तक भी जा सकता है। तो वैक्सीन से रिलेटेड आप न्यूज़ पर ध्यान रखिए कौन से फार्मा कंपनी जो है वैक्सीन लेकर आती है, और जो कंपनी वैक्सीन लेकर आएगी वो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न आपको दे सकती है। और आगे जो हमारा है वो है एस्ट्राजेनिका फार्मा, ये भी कंपनी वैक्सीन से रिलेटेड जो कंपटीशन चल रहा है फार्मा कंपनी के बीच उसमें है, तो कौन सी कंपनी को मतलब हाथ लगता है जो वैक्सीन है और उस कंपनी में आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाने के लिए मिलेगा। ये भी कंपनी देखते हैं 2012 में ये था 1800 रुपीज़ का और वहाँ से गिरावट जब इसमें आया तो ये मात्र 650 रुपीज़ का स्टॉक हुआ करता था 2013 में, और वहाँ से कंपनी में ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने मिला है इन्वेस्टर को और 600% का रिटर्न दिया है 6 ईयर्स में। तो ये भी स्टॉक काफ़ी गजब है, अगर गिरावट में मिलता है तो इन सारे स्टॉक में आप पोजिशन बना सकते हैं। और वैक्सीन से जो रिलेटेड न्यूज़ है उस पर लगातार आपको फोकस करना है कौन सा जो फार्मा कंपनी है वैक्सीन लेकर के आ रही है। उसके बाद है हमारा फाइजर लिमिटेड। फाइजर भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है, अभी इसका करेंट प्राइस है 5,254 रुपीज़, और देखते हैं इसका इन सब बड़े स्टॉक का जो चार्ट है वो भी देखिए कितना बेहतरीन है, चार्ट देखिए लगातार अप ट्रेंड में है। थोड़ा सा एस्ट्राजेनिका का जो चार्ट है यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट आया था, तो इस समय फार्मा के सारे स्टॉक में गिरावट देखने मिला था अप्रॉक्स जो है, कुछ स्टॉक को छोड़ दे दो चार तो उसके सारे देखते हैं फार्मा के स्टॉक में यहाँ पर 2015 से लेकर के 2019 तक में गिरावट देखने मिला था। उसके बाद चार्ट देखिए कितना सॉलिड है, लगातार ये कंपनी अप ट्रेंड में रहने वाली है। तो ये सब स्टॉक जब गिरावट में मिलता है तब आपको इन्वेस्ट करना है, अभी तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे है, अभी आपको पोजिशन बनाना है अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इसलिए कहते हैं कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है जो आप पोजिशन बनाते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसमें स्टॉप प्लस लगाना है, तो जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए। बहुत सारे लोगों ने हमारे कहने पर जीरोधा में अकाउंट ओपन किया, आप भी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कमेंट बॉक्स में लिंक होगा, जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए। या आप एंजल ब्रोकिंग में अगर आप इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में एंजल ब्रोकिंग काफ़ी ज़्यादा मार्जिन देता है। अभी भी आप हेजिंग के द्वारा मात्र 5,000 से 6,000 में एंजल ब्रोकिंग में ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं हेजिंग करके। तो दोस्तों समझ रहे, इतना ज़्यादा मार्जिन मिलता है। और अगर आप GTT ऑर्डर ये सारे ट्रेडिंग करते हैं तो जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए। मतलब आपके दो अकाउंट तो कम से कम होने चाहिए, एक में पोजिशनल ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, दूसरे में इंट्राडे करते हैं। तो दोनों के लिए हमने दो ही आपको प्रोवाइड किया है, आपको दो ही अकाउंट रेफर किया है कि दोनों काफ़ी प्रीफर करता है, काफ़ी मतलब हम खुद यूज करते हैं एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा दोनों को। ऑप्शन ट्रेड करने के लिए एंजल ब्रोकिंग यूज करते हैं और सारी चीज़ों के लिए हम जीरोधा का यूज करते हैं। अगला शेयर है हमारा इंडिया मार्ट इंटरमेस, अभी इसका करेंट प्राइस है 5,750
56 रुपीज़ दोस्तों। इस शेयर की अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म जर्नी का, वन ईयर जर्नी का, तो देखते हैं ये स्टॉक जो है आपको 1800 के प्राइस पर मिल रहा था, वहाँ से ये स्टॉक 3 टाइम्स हो चुका है, 3 टाइम्स हो चुका है, मतलब आपको 200% से अधिक का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों इस स्टॉक में मैंने उस समय भी बोला था आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, 2019 में इन्वेस्ट करते मात्र 1200 रुपये का स्टॉक था, वहाँ से ये 5 टाइम्स लगभग हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करें जब भी गिरावट में मिलता है। तो उसके बाद है हमारा एप्पल इंडिया, एप्पल इंडिया भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है, इसका बिजनेस भी काफ़ी बेहतरीन है, ये भी स्टॉक देखते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट पे काफ़ी सॉलिड दिखेगा आपको, ये भी स्टॉक लगभग 400 टाइम्स का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को, और ये स्टॉक भी मैंने रिकमेंड किया था काफ़ी पहले जब ये स्टॉक आपको 1500 पे था, मतलब 1500 के आसपास था, उसी समय से मैं इस स्टॉक के बारे में आपको लगातार बता रहा हूँ और ये स्टॉक यहाँ से जा चुका है 4000 के प्राइस पर। तो दोस्तों ऐसे जो स्टॉक है ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें क्योंकि ये सारे डेब्ट फ्री कंपनियां है, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, मतलब कोई कर्ज नहीं है, और ऐसे बेहतरीन फंडामेंटल वाले स्टॉक पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं जो अपने सेक्टर को भी लीड करता है और जो सेक्टर में नए तरह के बिजनेस है उसको लेकर आया है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद है HDFC, ये काफ़ी पुरानी कंपनी है और जो HDFC ग्रुप है उसकी हाउसिंग मतलब डेवलपमेंट कंपनी है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और ये स्टॉक तो मैंने काफ़ी पहले रिकमेंड किया था जब ये स्टॉक हुआ था 1500 के आसपास, और तो ऐसी कंपनियां देख सकते हैं आप ये हो चुका है 2490 रुपीज़, मतलब 2500 पर जा चुका है, और ऐसी कंपनियां जो कि अपने इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन वेल्थ करके क्रिएट करके दिया है, देख सकते हैं 11000% का रिटर्न है कितने साल में, 20 ईयर्स में। तो ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक में आप ज़रूर इन्वेस्ट करें जब भी गिरावट में मिलता है, तो गिरावट का फिर से इंतजार करें, जैसे प्राइस में कभी करेक्शन आता है तो आप इन्वेस्ट करें, और ऐसी कंपनियां तो बाय एंड फॉरगेट वाले हैं जो HDFC है, HDFC बैंक है, ऐसे कंपनियां बजाज है, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, उसके 2 कंपनियां और HDFC ग्रुप की 2 कंपनियां, ये सब बाय एंड फॉरगेट वाले स्टॉक है, आप इसको लोअर प्राइस पर बाय करें और भूल जाएं, 5 साल में आपको काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ऐसी जो कंपनियां हैं किसी भी स्कैम कोई भी स्कैम इससे रिलेटेड सामने ना आए, फिर तो आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके देगा लॉन्ग टर्म में। उसके बाद है जुबिलेंट फूडवर्क, ये स्टॉक हमने आपको रिकमेंड किया था जब ये 1400 के आसपास था, मतलब 1400 के आसपास था, आप देख लीजिए हम यहाँ पर चार्ट पे चलते हैं तो देख लीजिए ये स्टॉक 1400, ये काफ़ी समय तक इस प्राइस के आसपास रहा, उसके बाद जब यहाँ से मतलब इसमें मूवमेंटम आया तो ये स्टॉक लगातार देखते हैं अब ट्रेंड में है और चार्ट कितना सॉलिड है। ऐसे ही बेहतरीन चार्ट वाली कंपनियाँ जो टेक्निकल रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, गिरावट इसमें भी एक बार आया था कब 2017 में, उसके बाद कभी भी इसमें गिरावट नहीं आया, मतलब ये स्टॉक कभी भी वीकनेस नहीं दिखाया 2017 को छोड़ दिया जाए तो। दोस्तों इस स्टॉक में फिर से वेट कीजिए, काहे देखते हैं एक एक दिन में 5% की तेजी है, जब भी मतलब थोड़ा सा इसमें गिरावट आता है मार्केट में करेक्शन आता है तो निश्चित है इस स्टॉक में भी करेक्शन आएगा, जब रैली आया है तो थोड़ा सा करेक्शन भी होगा, तो उस करेक्शन पे हम बाय करेंगे, हमेशा वेट कीजिए अपने अपॉर्चुनिटी का, जब अपॉर्चुनिटी मिलता है जब सब लोग डरे हुए होते हैं तो उस समय आप इन्वेस्ट कीजिए, जब मार्केट 8000 लेवल पर आया था सब लोग डरे हुए थे उस समय जो भी इन्वेस्ट किया जिन्होंने भी बाइंग किया आज अच्छा खासा प्रॉफिट में है, तो फिर से अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, जैसे मार्केट में कभी भी गिरावट आती है तो बाय करेंगे। अभी मार्केट 13700 पे है, हो सकता है ये 15000 चला जाए, 18000 चला जाए, तो आप इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, लगातार प्रॉफिट बुक करते रहेंगे लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार, मतलब छोटे क्वांटिटी बाय करेंगे उसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे और जैसे वो ब्रेकआउट देता है उस समय आपको पोजिशन बनाना, और जैसे मोमेंटम खत्म होने वाला हो उस समय आप प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद है अतुल लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से, इस स्टॉक का रिटर्न देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, देखते हैं 28000% का रिटर्न है। दोस्तों ऐसे बेहतरीन कंपनियां आपको बहुत ही कम मिलेगा स्टॉक मार्केट में जिसमें आपको 28000% तक का रिटर्न मिला है, जैसे बजाज फाइनेंस है उसमें आपको इससे भी ज़्यादा देखने मिलेगा, नहीं तो ये सारे स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है पोजिशन ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, तो जैसे गिरावट मिलता है आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। अभी देख रहे हैं ये कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, अगर यहाँ से मोमेंटम पकड़ता है ये स्टॉक तो फिर आपको 7000 का पहला लेवल देखने मिलेगा, अगर 7000 के लेवल को ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करता है तो फिर 10000 का लेवल इस स्टॉक में भी आपको देखने मिलेगा, जिसमें टाइम लगेगा वक्त लगेगा लेकिन देखने जरूर मिलेगा आपको। फिर है SRF, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, देखते हैं अपने ऑल टाइम हाई पे है। दोस्तों ये स्टॉक हमने काफ़ी पहले आपको बताया था जब ये आपको 3000 के आसपास था, उसी समय बताया था कि आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी सॉलिड स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन, चार्ट देखिए 5 ईयर्स का भी चार्ट लगातार अप ट्रेंड में है। मैक्सिमम ईयर की बात करें तो
इसका चार्ट तो और काफ़ी सॉलिड है। ये स्टॉक वो स्टॉक है जो कि इन्वेस्टर को माला माल किया 50,000% का रिटर्न, देख सकते हैं 50,000% का रिटर्न 20 ईयर्स में। तो दोस्तों ऐसे बेहतरीन मल्टीबैगर स्टॉक आपको हम बताते रहते हैं, तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लगातार देखिए और सीखिए और अपॉर्चुनिटी का बीट कीजिए। जब मार्केट में गिरावट आएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल पर हम बाय करने के लिए जैसे अपॉर्चुनिटी आता है बोलते रहते हैं कि इस समय आप बाय कर सकते हैं और कब प्रॉफिट बुक करना है ये भी बताते रहते। जैसे मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे, मैं लगातार रिकमेंडेशन देता हूं कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जितना, और जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया उसको आप रखे रहिए, जो अच्छे स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए है उसको रखे रहिए। तो इसलिए दो अकाउंट ओपन कीजिए, एक एंजल ब्रोकिंग में, एक जीरोधा में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। एक में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, एक में आपको ट्रेडिंग करना है, उसमें GTT ऑर्डर लगाना है जीरोधा में जैसे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।